अलैक्म जी। ये वीक 11 है और इसमें हम दो सेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। वो जॉब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब है, कोई भी जॉब है। तो इसमें हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है एंड वाई वी नीड टू हैव ट्रेनिंग बिफोर वी स्टार्ट अ जॉब। ठीक है जी, तो ये फोकस होगा इस ट्रेनिंग पे। बाकी फनी सा डायलॉग है बिटवीन टू पीपल, आप पढ़ सकते हैं। आई डोंट नीड टू गो थ्रू दिस। लेट्स स्टार्ट विद व्हाई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड बाय अ न्यू स्टाफ, जो एक नया स्टाफ जो हायर किया गया है किसी भी कंपनी में, उनको स्किल्ड करने के लिए, इक्विप करने के लिए, एनवायरमेंट से गेट यूज टू करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अपडेट स्किल्स ऑफ ओल्ड स्टाफ। अगर कोई काफी अरसे से उस कंपनी में काम कर रहा है तो उनकी जो है स्किल को अपडेट करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एश्योर कन्फर्मिटी टू स्टैंडर्ड्स के, इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स जो कि कंपनीज में होते हैं और उनके कंपटीटर्स वो टेक्नोलॉजी या चीज यूज कर रहे होते हैं, तो वो ट्रेन करते हैं दूसरों को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, जो जो स्टाफ मेंबर्स उसमें उनको मैटर करते हैं, ताकि एश्योर हो सके जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है एश्योर हो सके। टीच द प्रॉपर यूज ऑफ SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स जो हैं उनको पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं हाउ टू अप्लाई एंड उनका जो पर्पज़ है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस व्हाई इज रिक्वायर्ड। बिकॉज ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑफ इन द CMM है, मेच्योरिटी मॉडल है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आपको इन ऑर्डर टू बी प्रोड्यूस अ गुड सॉफ्टवेयर यू नीड टू हैव SQA प्रोसीजर्स इन प्लेस, ताकि और वो प्रैक्टिस किए जाए टू एश्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है फर्स्ट, व्हाट टॉपिक्स नीड ट्रेनिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आवर कोर्स इज SQA एंड SQA इज ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, एस्टिमेटिंग टूल्स हैं, प्रोसीजर्स फॉर कोडिंग है कि कौन सा प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करना है फॉर प्रोग्रामिंग। व्हेन न्यू स्टाफ आर हायर्ड तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है इन केस टूल्स का, एस्टिमेशन टूल्स का, प्रोसीजर्स का, कि किस तरह प्रोग्राम करना है। कहाँ होता है ये? बिग कंपनीज में होता है और स्मॉल कंपनीज में होता है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है इन टॉपिक्स पे जो कि मेंशन है यहाँ। केस टूल्स है, एस्टिमेटिंग टूल्स है, प्रोसीजर्स फॉर कोडिंग। SQA टेस्टिंग टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के टेस्टिंग टूल्स हैं कि टेस्ट किया जाए ईच एंड एवरी मॉड्यूल एंड मेथड्स, के किस तरह उसको टेस्ट किया जाता है। पेयर रिव्यू प्रोसीजर है कि मोर देन वन पीपल दे टेस्ट ईच एंड एवरी मॉड्यूल एंड देन दे प्रिपेयर द चेकलिस्ट, क्या क्या चीज़ें इसमें मजीद होना बाकी हैं इफ दे फाइंड एनी एरर्स और बग्स, इस तरह की कोई चीज उसमें दे कम अक्रॉस। When does SQA training occur? Probably reviewed annually, के जब भी हम वो रिव्यू करते हैं कंपनी वाले एनुअली, कुछ कंपनी में आफ्टर 6 month होता है एंड देन दे फाइंड द पीपल आर नॉट ट्रेन्ड एनफ टू कंडक्ट दिस टेस्ट। ठीक है, या उनको जो सॉफ्टवेयर है उनको वो इस्तेमाल नहीं कर सक रहे सही तरह से, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उनको फिर रिकमेंड किया जाता है या भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। हु गेट्स SQA ट्रेनिंग? जो जो भी इन्वॉल्व है उस प्रोसीजर में, टेस्टिंग में, जो जो भी इन्वॉल्व है, जो टेस्ट करता है मॉड्यूल्स को, प्रोग्रामिंग को, कोड को, उसको जो है इसकी
उसके इंटरफेस को, उसको एसक्यूएल ट्रेनिंग जो है रिक्वायर्ड है. हु डज द, अब नेक्स्ट इज हु डज द ट्रेनिंग. इन हाउस ट्रेनिंग होती है, कंपनी में ही वो ट्रेनिंग कंडक्ट कर ली जाती है, प्रोफेशनल को बुला लिया जाता है, या ये होता है कि सेंड देम टू वोकेशनल स्कूल, जैसे हमारे यहाँ टेबेटा है, इस तरह के टेक्निकल वोकेशनल स्कूल्स हैं जहाँ ये ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही होती है, तो उनको वहाँ भेज दिया जाता है सीखने के लिए. कमर्शियल टेक्निकल ट्रेनर्स हैं जो बाहर, जैसे हमने कॉपरेट ट्रेनिंग है इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे होते हैं ट्रेनिंग, या उनको वहाँ भेज दिया जाता है कि वो ट्रेन हो. व्हाट आर दिस अप्रोप्रिएट, के उनका जो है कौन कौन से जो है उनके लिए अप्रोप्रिएट है, ये कंपनी रिकमेंड करती है कि किस केस टूल्स के ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, एस्टिमेशन टूल्स के ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो वो उनको फिर उस हिसाब से उनको रिकमेंडेशन करते हैं, वो जाके वहाँ ट्रेनिंग करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉलो अप द ट्रेनिंग, के उसको आपने फॉलो अप करना है एवरी नाउ एंड देन. थिंग्स चेंजेस, जो सॉफ्टवेयर अपडेट आती है तो उनको भी उनको आपने फॉलो अप करना है, उनको ट्रेनिंग करनी है. जो जो नई चीज़ आती है मार्केट में रिलेवेंट हो, तो एसक्यू है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उनको आपने फॉलो अप करना है. कैपा, CAPA, सी फॉर करेक्टिव, ए फॉर हैंड, पी फॉर प्रिवेंटिव एंड एक्शंस, ए फॉर एक्शंस. सो दिस कॉल्ड कैपा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस. एक्टिविटीज नॉट इंटेंडेड टू करेक्ट डिफेक्ट्स बट टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ दोस डिफेक्ट्स. ये एक्टिविटी है जो कंडक्ट की जाती है, नॉट टू करेक्ट दैट डिफेक्ट बट टू एलिमिनेट, कि ऐसे कदम उठाए जाएं, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो जो कॉज है जिनकी वजह से वो डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो ना हो. अब वो क्या है कि आप रिक्वायरमेंट्स जो है उसका फेस जो है वो कलेक्ट डाटा गैदरिंग है वो सही तरीके से हो, उसके लिए वो लोगों को ट्रेनिंग रिकमेंड करते हैं और उनको कहते हैं, या उनको कह देते हैं कि यू आर सर्विस नॉट नीडेड, थैंक यू वेरी मच, या उनको ट्रेनिंग रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रेनिंग कीजिए और उसके बाद जो है ये काम इस फेज में इन्वॉल्व हो, ये रिक्वायरमेंट कहते हैं. बिकॉज इफ यू गेट एवरीथिंग करेक्ट इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो कि फर्स्ट फेज है, तो तब आपको आगे नेक्स्ट फेजेस में वो मसाइल नहीं होते, और अगर हो जाते हैं तो फिर उसके आपको पता है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन में जाके वो बग्स और वो चीजें निकल आती हैं उनको करेक्ट करना है, तो दैट कॉज हैवी बजट, यू नो, टू करेक्ट दोस थिंग्स, बिकॉज़ यू हैव टू गो बैक टू द रिक्वायरमेंट फेज. रियलिटी चेक होता क्या है हकीकत में, प्रैक्टिकल जो हम जब काम करते हैं, एक तो चीज है जो बुक में लिखी जाती है किताबी बातें, एक वो चीज है जो जब हम इन्वॉल्व होते हैं काम करने में तो हमें पता चलता है, वी कम अक्रॉस ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जिसे हम कहते हैं जुगाड़ है. हाउ कैन वी सी इनटू द फ्यूचर एंड फिक्स प्रॉब्लम्स दैट हैव नॉट येट अकर्ड, कि हम किस तरह चीजें देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं जो अभी अकर नहीं हुई, उनके हम प्रिडिक्ट करें उनको कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में assumptions भी जो है रोल प्ले करती हैं, एंड मेक श्योर दैट दोस assumptions आर रिलेवेंट टू दैट प्रोजेक्ट. इफ दिस हैपेंस, लेट्स से somebody लीव द प्रोजेक्ट ऑन द वे विदाउट कंप्लीटिंग द टास्क, तो देन व्हाट प्लान यू हैव, या बजट गोज आउट ऑफ हैंड, तब आपके पास हाउ टू कॉम्पनसेट, या उसको किस तरह आपने मैनेज करना है, या टाइम को किस तरह मैनेज करना है. इफ दिस हैपेंस देन व्हाट इज अ प्लान, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान है. तो ये चीजें आपने assumptions जो है, लिस्ट ऑफ assumptions अपने जेन में रखनी होती है ताकि पैनिक ना हो लास्ट मिनट में. अगर ये चीज होती है तो आपके पास ऑलरेडी प्लान है इन प्लेस है उसको करेक्ट करने के लिए. Corrective, fix past problems, जो past में हम learn from mistakes, इन जो projects हमने किए हैं उनमें जो mistakes किए, यही एक तरीका है improvement का, कि आप
लर्न करें अपनी गलतियों से। अगर आप नहीं सीखते तो आप तरक्की नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में आप हैं। प्रिवेंटिव प्रेडिक्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू स्टार्ट टू प्रेडिक्ट। लास्ट प्रोजेक्ट में हमने ये किया था तो ये हो गया था, तो तब हमने ये चीज़ हमने उसको की थी, हमें मसाइल आए थे। तो वो अगर आप लर्न कर लेते हैं उन मिस्टेक से, उन प्रोजेक्ट से, तो तब आप यू आर एबल टू प्रेडिक्ट एंड यू हैव बेटर प्लान फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स। हाउ टू कंडक्ट कैफा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कौन इन्वॉल्व है, क्या उसकी ट्रेनिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस है, एनालिसिस करना है जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है, देन डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव मेथड्स, तो उसको जो है आपने इम्प्रूव करना है उन मेथड्स को जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है या एडॉप्ट किए गए हैं। देन सेम गोज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्रूव दैट मेथड्स एंड की फॉलो अप है, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपने फॉलो अप करना है, जो अपडेट्स आ रही हैं स्टैंडर्ड्स की, क्वालिटी की, उसको आपने मेंटेन करना है, ट्रेन करना है खुद को और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको, ताकि आप जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकें। व्हाट इन्फो गेट्स एनालाइज्ड, के किस चीज को आपने एनालाइज करना है। राउंड अप द यूजुअल सस्पेक्ट, डिजाइन रिव्यू रिपोर्ट्स, के जो रिव्यू रिपोर्ट्स हैं डिजाइन की उनको आपने देखना है, पढ़ना है, कोड वॉक थ्रू के अपने ऑल जो कोड है उसमें इन्वॉल्व डिफरेंट फॉर्म्स का, बटन्स का, मॉड्यूल्स का, उनको आपने यू जस्ट वॉक थ्रू मीन्स यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस कोड टेस्ट रिपोर्ट्स। उनको जब टेस्ट किया गया उस कोड को, तो क्या उसका रिजल्ट है और किस तरह उसको रेक्टिफाई किया गया है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, मेथड्स का उनको करेक्ट किया जाए बग्स को। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, के वो जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं जो कि अलाइन हैं आपके जो आपको माइलस्टोन असाइन हुई है कि 3 months, 4 months, 1 week, 2 week आपने ये चीज कंप्लीट करनी है, तो वो क्या उसके साथ अलाइन है या नहीं है या डिले हो रहा है। कस्टमर कंप्लेंट, जो कस्टमर के फीडबैक्स होते हैं उनकी जो कंप्लेंट्स है उनका जो रिकॉर्ड है उसमें क्या कुछ है, वो क्या कह रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज ही इज द वन हु गोना स्पेंड इयर्स विद योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर चेंज रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह आती है, किस तरह अप्रूव होती है, ऐसा नहीं है किसी ने रिक्वेस्ट की और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, वो किन प्रोसीजर से गुजरती है, अप्रूव होती है और फिर उसको जो है अडॉप्ट किया जाता है। एंड देन मेंटेनेंस रिपोर्ट के उस रिपोर्ट में वो किस प्रोसीजर से जो रिक्वेस्ट चेंज रिक्वेस्ट है वो आई है और मेंटेनेंस रिपोर्ट में उसको ऐड किया गया है। एंड देन द ट्रेनिंग फॉलो अप रिपोर्ट्स, आपने किस तरह ट्रेन किया है लोगों को, ना सिर्फ के वो टूल्स यूज करें बल्कि रिपोर्ट्स भी, के हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, ये भी एक क्वेश्चन है कि लोगों को नहीं पता होता कि रिपोर्ट अगर है तो उसमें लिखना क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो कितने पेजेस होने चाहिए, क्या उसमें लिखना चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, नीड टू बी नोटिस, वो सब चीजें। इसके लिए भी लोगों को ट्रेनिंग दरकार है कि किस तरह की रिपोर्ट होगा, जो बॉस चाह रहा है कि उसको उस तरह की रिपोर्ट मिले जो उसके मकसद की है, तो वो उनको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। बट डोंट फॉरगेट स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑडिट्स, जो ऑडिट होता है क्वालिटी का, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जो रिपोर्ट है कि हाउ दे आर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स, वो रिपोर्ट्स आप इग्नोर या नजरअंदाज नहीं कर सकते। सजेशन जो लोग देते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ऑब्जर्वेशन बाय स्टाफ, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है स्टाफ व्हाइल दिस टेस्ट बीइंग डन, कि वो किस तरह टेस्ट कैरी आउट हो रहे हैं, उनमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। वेज टू सिफ्ट थ्रू दैट ह्यूज पाइल ऑफ रिकॉर्ड्स, के जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने प्रोजेक्ट्स के जो आपके पास रखे हुए हैं पेपर्स, उनको किस तरह जो है आपने देखना है, उनमें किस तरह ढूंढना है चीजें अपने मकसद की, और उनको किस तरह जो है आपने
एडॉप्ट करना है. आज द रिपोर्टर टू इंडिकेट अ प्रायोरिटी फॉर द रिपोर्ट के जो रेलेवेंट हो आपके प्रोजेक्ट से जो आप कर रहे हैं. रैंडम सैम्पलिंग ले लीजिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टेक्निक्स अबव के उनमें से जो दो टेक्निक्स हैं उनको कंबाइन कीजिए जो अबव आज द रिपोर्टर एंड सेकेंड इज रैंडम सैम्पलिंग, उनको आप एडॉप्ट करके आप जो है कंबाइन करके जो है you come up with a better strategy. Answer, why do you analyze? के हमें analyze की जरूरत क्यों है इस pile of records? Because we go back to the history and see what has happened in the past. From there on, we start from scratch and we come up with the product. तो ये एक normal philosophy है. तो इसी तरह ये answers दिए गए हैं. After a plane crash, जब भी plane जो है वो क्रैश होता है तो उसकी जो है ना एवरी टाइम अ प्लेन लैंड्स, तो ये दोनों जो है उसकी रिपोर्ट्स जो है इकट्ठी की जाती हैं कि क्या क्या मसाइल तब आए थे जब वो लैंड होता रहा और क्या हुआ कि व्हाट वेंट रॉन्ग, जो कि ब्लैक बॉक्स रिसर्च होती है. और हम वी विटनेस इन पाकिस्तान मैनी प्लेन क्रैश जिनकी रिपोर्ट्स कुछ की आई हैं कुछ की नहीं आई. But what they want to analyze, okay, what went wrong, so that they don't suggest to this aircraft industry to rectify those errors. Outcomes kya hona chahiye CAPA ka? Updating relevant procedures, jo current procedures hain unko adopt kiya gaya, relevant work procedures. चेंजिंग टूल्स, जो टूल्स यूज हो रहे हैं एस्टिमेशन के लिए और टेस्टिंग के लिए उन पे उनको रिव्यू करना चाहिए और नए टूल्स मार्केट में हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द रिव्यूज. इम्प्रूवमेंट ऑफ रिपोर्टिंग मेथड्स, रिपोर्ट में कॉन्टेंट जैसा मैंने बताया कि रिपोर्ट में होना क्या चाहिए. रिपोर्ट फ्रिक्वेंसी, हाउ फ्रिक्वेंट यू रिसीव रिपोर्ट, वीकली डेली आवरली. अब व्हाट्सएप का जमाना है तो आवरली भी रिपोर्ट लोग भेज रहे होते हैं कि अब ये हो रहा है अब ये हो रहा है अब ये हो रहा है. तो पहले ये था कि रिपोर्ट्स में जरा टाइम लगता था, उसको टाइप किया जाता था और भेजा जाता था. अब क्योंकि डिजिटल हो चुका है तो डेली रिपोर्ट्स भी मुमकिन पहले भी थी अब भी है, लेकिन अब आवरली भी रिपोर्ट्स जो है वो मुमकिन हो सके हैं डिजिटल मीडिया से. चेंजेस इन ट्रेनिंग के अगर चेंज रिक्वायर्ड है, नए अपडेट है, कोई सॉफ्टवेयर आया है तो उसको जो है लोगों को भेजा जाए, ट्रेन किया जाए. प्रॉब्ली सेवरल ऑफ द अबव के सब चीज़ें जो अबव डिस्कस की गई हैं, ये सब चीज़ें हैं इसका आउटकम है. क्या पता कि ओवरऑल ये है कि किस तरह जो है ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हम इम्प्रूव कर सकें क्वालिटी और जो मिस्टेक्स हो रही हैं जो ब्लंडर्स हो रहे हैं वो मिनिमाइज हो जाए ताकि लोग ट्रेन होंगे उनको पता होगा कि क्या करना है किसे और किस तरह रिपोर्ट बनानी है, किस तरह सॉफ्टवेयर बनाना है, किस तरह कोडिंग की टेस्टिंग करनी है, किस तरह वॉक थ्रू करना है, रिव्यू करना है. तो सब चीज़ें जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स एंड come up with a good reports whatever role they have been assigned. Site topic control chart hai, ye ek chart hai jo display karta hai different activities to place, common cause and special cause. Lines jo hai, central line jo hai, jo mean hai, jo aapko nazar aa raha hai central line, we see here in the diagram. हाँ वो ये मीन है. अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स जो है UCL अपर इन LCL इज अ लोअर एंड देन देयर इज अ वार्निंग लिमिट्स जो कि हमें रेड उसमें नजर आ रही है डॉटेड में आई गेस सॉरी दिस आर द UCL एंड LCL जो रेड उसमें हमारे पास है. इफ द प्रोसीजर इज इन कंट्रोल ऑल पॉइंट्स विल प्लॉट विद इन द कंट्रोल लिमिट जो के डिफाइंड है इसमें. द कंट्रोल लिमिट्स हैव नो रिलेशनशिप टू द क्वालिटी लिमिट्स, इनका कोई लिमिट इनका लिंक नहीं है क्वालिटी से. जो कंट्रोल लिमिट है जो कि हम देख सकते हैं इस ग्राफ में एंड दे आर रिटन आल्सो हियर
9 point something for LCL and UCL 10 point something. Next is the common cause and special cause warning, don't overreact. ये एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें ये चीजें डिस्कस की हैं, कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज. अ रायट अकर्स इन अ सर्टेन प्रिजन, ये कुछ खास जो जेलें हैं उनमें रायट किया गया है या धावा बोल दिया गया है जिसे कहते हैं उर्दू में, और क्या कहेंगे इसे. ऑफिशियल्स एंड सोशियोलॉजिस्ट टर्न आउट अ डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द प्रिजन, के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी है डिटेल व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रिजन विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एंड हाउ इट हैपेंड हियर, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट द कॉजेज वर कॉमन टू अ मेजॉरिटी ऑफ प्रिजन्स. के जो एक्चुअली कॉमन जो कॉज होते हैं, जो एनवायरमेंट होता है प्रिजन का, दैट वाज इग्नोर्ड इन द रिपोर्ट एंड दैट द रायट कुड हैव हैपेंड एनीवेयर बिकॉज ऑफ दोस common cause your problems. The core recognized that there is a temptation to react to an extreme outcome and to see it as significant, even when where it causes are common to many situations, the distinctive circumstances surrounding its occurrence. The results of mere chance, such behavior has many implications within management or from leading to intervention in process that merely increase the level of variation and frequency of undesirable. जब भी राइट होता है इस तरह की चीजें होती हैं तो दो आप उसे बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते, उससे ज्यादा हंगामा होता है और हेड ऑन कोलिजन होता है बिटवीन द प्रिजनर्स एंड दोस दे आर देयर एंड जेल मैनेजमेंट है या प्रिजन मैनेजमेंट है, और उसमें अवाद भी होती हैं और उसमें केसेस भी रजिस्टर्ड होते हैं, जो लोग ये कर रहे होते हैं हेड ऑन उनको पकड़ा जाता है, उनको मजीद जो है टॉर्चर किया जाता है. तो इसका कोई एज सच सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास हाउ टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट. जो मकसद है इस स्लाइड का how to improve the environment, के different software companies में जो एक environment होता है जो कि हेयर से होती है, कोई भी वहाँ आपका फ्रेंड है वो काम कर रहा है, जैसे आप पूछते हैं कि भाई ये जगह कैसी है काम करने के लिए, तो वो आपको फीडबैक देते हैं कि इस तरह है, टाइमिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, पैसे बहुत कम देते हैं या टाइम पर नहीं देते हैं, सो एंड सो फोर्थ. वो एक एनवायरनमेंट होता है जो आप रिसीव करते हैं, सुनते हैं हेयर से, दोस्तों से, जो फ्रेंड है आपके वहाँ काम कर रहे हैं, और उसी पे सब चीजें बिल्ड होती हैं, मोटिवेशन लेवल भी और दूसरे फैक्टर्स भी. ये इसका मकसद है स्लाइड का, सिनेरियो को मतलब जेल का कुछ नहीं लेना देना इससे. ठीक है जी, तो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड वी डिस्कस. अब नेक्स्ट सेशन जो है हमारा आपका दूसरा, उसमें हैंड आउट होंगे. शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम. ये उसका सेकंड पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आज के लेक्चर का. इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक मॉड्यूल जो दूसरे मॉड्यूल में किस तरह इंटीग्रेटेड है, कॉन्फ़िगर्ड है डिफरेंट उसके जो फंक्शंस हैं और जो डिफरेंट लाइब्रेरीज की जो फाइल्स होती हैं बट द बैक एंड विच वी कांट सी, किस तरह कॉन्फ़िगर्ड हैं सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए. और इसका जो स्लोगन है जो सब हेडिंग है अवॉइडिंग कॉस्टली कंफ्यूजन के, उसको वी नीड टू बी श्योर बिफोर वी मेक एनी चेंजेस बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप कॉस्ट हैवी मनी है in software engineering. Question is, which is more important, stability or progress? ये depend करता है उस project पे और उसके team members पे कि how professional they are, how trained they are, which projects they have worked before, उनका जो experience है डिफरेंट कंपनीज पे काम करने का, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, वो मैटर करता है इस पे.
वाई इज चेंज पोटेंशियली डेंजरस, के जब आप चेंज, दैट्स वाई चेंज, इसी वजह से कहा गया है कि वो एक रिव्यू प्रोसेस होता है जिसमें सब पीपल ऑन बोर्ड होते हैं इंक्लूडिंग द स्टेक होल्डर टू एक्सेप्ट दैट चेंज बिफोर दे मेक इट, बिफोर दिस हैपेंस, यू नो. तो वो एक रिव्यू, पूरी मीटिंग होती है, उसके बाद वो एक सब लोग एक्सेप्ट करते हैं तो तभी उसको चेंज किया जाता है. क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक दवा चीज बन जाए, सिंपल सी चीज है, आपने एक दीवार बनाई है, आप दीवार बना के आपने बाद में कोई कहता है कि इसमें जो विंडो होना चाहिए दीवार में, अब अगर विंडो बनाएंगे दीवार में तो एक दो दिन लगेंगे, उसमें विंडो भी बनेगी, उस पर भी पैसे लगेंगे, और दीवार थोड़ी सी तोड़ के उसका हिस्सा उसमें फिट की जाएगी विंडो, और उसके बाद भी अगर कोई खुश नहीं होता तो वो डेंजरस है. ये चेंज अगर करने के बाद भी चेंज हो जाता है, और चेंज करने के बाद भी अगर लोग एक्सेप्टेंस लेवल उसका वो नहीं है, तो देन सो मेनी क्वेश्चंस पॉप्स अप आपके प्रोफेशनलिज्म पे और आपके अप्रोच पे, और किस तरह चीजें जो है वो मीटिंग से निकल के वो इम्प्लीमेंट हो गई और हासिल जो है उसका कुछ नहीं हुआ. पर्पस ऑफ सीएम, जो चेंज मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई चेंज, दिस इज द फर्स्ट थिंग, कि आपको स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट आई है, जो यूजर है उससे रिक्वेस्ट आई है, जो लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दे सजेस्टेड इट. देन कंट्रोल चेंज, उसको कंट्रोल इस तरह करना है कि आपने मीटिंग्स करनी है, सब ऑन बोर्ड लेना है, सबसे रिव्यूज कलेक्ट करने हैं, इनपुट लेनी है, इंश्योर चेंज इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू जस्ट नाउ, दैट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड मींस एवरीबॉडी इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट नीड टू बी विल बी अफेक्टेड. सो हूएवर विल बी अफेक्टेड, you need to take them on board, discuss with them this change and ask them their input. And based on the input, develop a consensus and then implement that change. Report changes to all the people who know need to know. जो जो भी उस से effect होगा उसको report किया जाए, उसको बताया जाए कि ये change इसमें हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लेक्चर का टाइम चेंज होता है तो मैंने इन्फॉर्म करना है. ये सिंपल सी बात है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है सेंसिटिव इशू, मनी मैटर इन्वॉल्व है, आपकी जो है कंपनी जो है स्टेक पे है उस प्रोजेक्ट को, आपने जिसको आपने हैंडल करना है, लोग सू कर देते हैं जाके अगर आप कुछ चीजें करते हैं अपनी मर्जी की, और वो लोग वो आप रिपोर्ट नहीं करते हैं जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उसमें उस प्रोडक्ट के. व्हाट चेंज, अब चेंज होना क्या है, उसका कलर चेंज होना है, शक्ल चेंज होनी है, सर्जरी करवानी है उसको, सॉफ्टवेयर कोड, दैट्स द फर्स्ट थिंग. कि अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज होगा कोड से. डाटा, उसमें जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन उसमें एंटर होनी है या इस्तेमाल होना है डाटा, दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. टेस्ट डाटा, डेटाबेस फाइल्स के कहाँ वो डाटा स्टोर होगा, ठीक है. दैट इज इफ यू कैन सी द मैसेज, द स्टैंडर्ड टर्म इज कॉन्फ़िगरेशन आइटम, कॉन्फ़िगर किस तरह करना है चीज़ों को. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जो रिपोर्ट होती है, डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइन की, प्रोजेक्ट स्केड्यूल के जो टास्क हैं वो टाइम पर हो रही हैं, टाइम पर हमें रिपोर्ट्स रिसीव हो रही हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ें उसमें मैटर करती हैं. देन टेस्ट प्लान्स, कि उसको टेस्ट किस तरह करना है मॉड्यूल्स को, एंड उसका रिजल्ट जो है वो डिस्कस होता है, उसके में अगर कोई बग है तो उसको फिक्स करना होता है, हु विल फिक्स दैट बग and how much it will cost, how long it will take, ये सब चीजें जो है ना रिपोर्ट में लिखी जाती हैं. Baseline, a specification of a product that has been formally reviewed and agreed upon, that thereafter serves as the basis for further development, and that can be changed only through formal change control procedure.
जो स्पेसिफिकेशन है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मली रिव्यूड होती है, एग्रीड होती है किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करते हैं, इनिशिएशन एंड सिलेक्शन के, वो आप प्रोजेक्ट को देखते हैं, उसका बजट, उसका स्कोप और अपनी एक्सपर्टीज को देखते हैं, एंड देन यू सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट। ये नहीं होता कि जबरदस्ती ना तो प्रोजेक्ट दिया जाता है, ना ही कोई प्रोजेक्ट जो है उस पर काम करता है। तो ये दिस वन ऑफ द स्टैंडर्ड है, ये IEEE का 729, विच एवरीबडी बाउंड टू फॉलो हूएवर इज वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर। क्रिएशन ऑफ अ बेस लाइन, बाय द वे जो स्टैंडर्ड है, ये वो लोग आते हैं, विजिट करते हैं, वो ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं, देन दे एंश्योर दैट वेदर दिस इज ओनली इन द बुक, ये किताब में लिखा है, ये लोग जो कंपनीज हैं वो इसको फॉलो भी कर रही हैं, कि रिव्यूज हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनका जो रिपोर्ट्स हैं वो लोग वो चेक करते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को, ऑडिट होता है वगैरह, कि ये आया, कि ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट आपका कुछ हो रहा है, वो रिपोर्ट्स कुछ हो रहे हैं, आप उनको वो सब चीजें वो चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट था, ये इसका स्कोप था, इस तरह इसमें चेंज आया, इन चेंजेस कहाँ कहाँ से ये रिव्यू हुआ है, उसके बाद मीटिंग्स हुई हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स के बाद ये कंसेंसस है, ये चीज बताई गई है प्रोग्रामर को, कोडर को, उन्होंने चीजें जो है चेंज कर दी है। तो ये सब एविडेंस जो है उसका एक रिपोर्ट होती है जो बाकायदा फाइल में वो सेव होती है इन लोगों के विजिट के लिए, ये लोग आते हैं, विजिट करते हैं, एंड देन दे एंश्योर दैट दैट दिस इज नॉट रिटन इन द बुक, दैट स्टैंडर्ड हैज बीन अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। क्रिएशन ऑफ अ बेस लाइन, जो एक बेसिक जो शुरू में हम बनाते हैं, जिसे हम प्लान कहते हैं, कि इस वीक से इस वीक तक हम ये कर लेंगे, देन एनालिसिस कर लेंगे 2-3 वीक में, देन डिजाइन कर लेंगे हम 2-3 वीक में, देन इंप्लीमेंट और टेस्ट कर लेंगे, उसको मेंटेन कर लेंगे। तो ये वो चीज है, द बेस लाइन इज देन सेंट्रली कंट्रोल के उसको देखा जाता है कि जो टास्क असाइन हुई है दिस वीक टू दिस वीक, वेदर इट्स बीन डन और नॉट, इफ नॉट देन व्हाट इज नेक्स्ट। तो वो सब चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं और उन पर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। एवरीवन यूजेस द सेम करंट बेसलाइन, जो ये नहीं कि आप अपना स्केड्यूल बना के, देयर इज अ स्केड्यूल बिटवीन, इन बिटवीन द स्केड्यूल, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे, दे आर बाउंड टू फॉलो दैट स्केड्यूल एंड टू फुलफिल एंड मीट दैट डेडलाइन which they have been assigned the task for. To change the baseline required a formal process, कि अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं या उसमें दिन कुछ आप एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, यू नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स, द सीनियर टीम मेंबर्स, के आप क्यों कराना चाह रहे हैं, जस्टिफिकेशन दें, तो वो सब चीजें एविडेंस वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, कि अगर कोई टास्क डिले हुई है तो क्यों हुई है वो टास्क डिले। वर्बल कुछ नहीं होता इसमें। बेसिक चेंज प्रोसेस, चेंज रिक्वेस्ट इज मेड, रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड और डिनाइड, या रिजेक्ट होती है, अप्रूव होती है, चेक आउट द आइटम्स, क्या चेंज होना है उसमें, मेक चेंजेस, टेस्टिंग और रिव्यूज, उनका रिव्यू किया जाता है, फॉर्मल रिव्यू आफ्टर डिजाइन चेंजेस, रिग्रेशन टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल्स, उनके मॉड्यूल का टेस्ट किया जाता है, रिव्यू द चेंज ऑर्डर, वो किस ऑर्डर में जो है चेंज होना है और किस तरह वो इफेक्ट करेगा, नोटिफाई किया जाता है हूएवर इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट व्हेन बेसलाइन चेंज विल अकर, व्हाट चेंजेस वर मेड टू द बेसलाइन, वो उसमें मेंशन की जाती हैं, एंड वेन दैट चेंज विल अकर वो उसमें बताया जाता है, एंड चेक इन किया जाता है टू द न्यू बेसलाइन, वो चीजें जो चेंजेस हैं उसको इंक्लूड कर लिया जाता है उस बेसलाइन में, प्लान में। टेम्पलेट फॉर बेसलाइन चेंज, नेम, डेट, ठीक है,
ये लिखा जाता है, टाइप ऑफ चेंज कि किस तरह का चेंज है उसमें, वो लिखा जाता है, गोल के व्हाट दिस चेंज विल डू फॉर अस, प्रायोरिटी है, अर्जेंसी है, ये लिखा जाता है कि नॉर्मल चेंज है या अर्जेंट है कि वी हैव टू चेंज अदरवाइज इट विल इफेक्ट द रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये चीज उसमें डिसाइड की जाती है, प्रायोरिटी है, अर्जेंसी है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज इंक्लूड किया जाता है टेम्पलेट में, एंड एक्सपेक्टेड इफेक्ट के वन दिस चेंज विल गिव अस रिजल्ट्स। क्योंकि एवरी चेंज है ना, जब आप चेंज रिकमेंड करते हैं तो जस्टिफिकेशन देते हैं और उसमें अपने फवायद लिखते हैं कि अगर हम ये चेंज कर देते हैं तो उससे ये फायदा होगा, और उसके आप फोर्सी करते हैं फ्रॉम नाउ ऑन 3 मंथ 4 महीने नेक्स्ट टास्क पे हमें इस चेंज से फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो वो सब चीजें और फिर मैच की जाती हैं कि आया ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। टाइम टेबल फॉर मेकिंग चेंजेस, टेस्टिंग, रिलीज, ये सब चीजें उसमें मेंशन की जाती हैं टेम्पलेट में। एंड द एस्टीमेट कॉस्ट व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कितना उसमें चेंज की वजह से जो हमें कॉस्ट पे करनी है वो उसमें बताई जाती है, इंक्लूड की जाती है। सीएमए चेंज मैनेजमेंट जो ऑडिट है, इस परसेंटेज ऑफ अनअप्रूव्ड चेंजेस के कितने परसेंटेज है उसकी, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड चेंजेस की, चेंज ऑर्डर कंप्लीटेड ऑन स्केड्यूल, जो चेंज अप्रूव हुई है उनका जो कितने परसेंटेज है उनके ऑन स्केड्यूल काम कंप्लीट हुआ है, अफेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स दैट वर नॉट चेक्ड, परसेंटेज उसकी जो अफेक्ट हुआ है उस चेंज की वजह से वो कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ़िगरेशन आइटम, कितने आइटम जो चेंज हुए हैं और उनको उनकी डॉक्यूमेंटेड हैं या नहीं है, नंबर ऑफ चेंज प्रोसेस फेलियर्स, कितने चेंजेस की वजह से फेलियर हुआ तो वो क्या है, कितने नंबर्स हैं, How do we keep track of all these version dependencies among components, approval records, etc. and still assure quality? ये question है कि भी because of the template which we have discussed on previous slide, वो सब चीजें हम फिर कर देते हैं जो उसमें बताई गई है, अगर हम skip नहीं करते कोई भी चीज, compromise नहीं होते किसी भी वजह से, तो वो हम record हम बता देते हैं, approval रिकॉर्ड है, कंपोनेंट्स जो भी है वो, क्योंकि दे आर लिंक्ड, ईच एंड एवरी टास्क इज लिंक्ड विद अनदर टास्क, यदि प्लान होगा तो एनालिसिस होगा, एनालिसिस होगा तो डिजाइन होगा, डिजाइन होगा तो इंप्लीमेंट होगा। तो ये सब चीजें जो है डिपेंडेंसीज है कि आपस में लिंक अप है, ये टास्क है, ये कंपोनेंट्स है, तो उनका रिकॉर्ड अगर हम रख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होते किसी भी वजह से, तो हम एश्योर कर सकते हैं क्वालिटी को। हैव अ साउंड सीएम प्रोसीजर, सम गुड चेंज मैनेजमेंट टूल्स अडॉप्टेड, सो दैट टूल्स में अब ये हमें रिपोर्ट राइटिंग भी है, एस्टिमेशन है बजट की, कॉन्फ़िगरेशन आइटम की, डेटाबेस काम चीजें रखी जाती हैं, वो सब चीजें जो अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं जो हम प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किए हैं, तो then we are able to assure the quality. Next is the format hai, introduction. Pehle to, these are again IEEE standard format. Ke uska purpose kya hai, change ka scope kitna bada hai, kya effect hoga usse, definition and acronyms, if there is any references, kahan se वो रेफरेंस लिए गए हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स कोट होनी है उसमें, कि क्या क्या चीजें प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में हुई, चेंज हुआ उसमें, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। देन सेकंड पार्ट इज द मैनेजमेंट, के ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, देन सीएम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसमें चेंज मैनेजमेंट की वो क्या है और किस तरह वो असाइंड एंड डिफाइंड है, इंटरफेस कंट्रोल उसको किस तरह करना है, SCMP इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करनी है, पॉलिसीज क्या है, डायरेक्टिव्स को हु विल टॉक
will give directions and what directions he or she will give, procedures ki kis tarah unko control karna hai, convey karna hai, implement karna hai, and then SCM activities, jo unki activities hain management ki, configuration management ki, sorry, configuration identification hai first, काम उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसका कंट्रोल है जिसमें चेंजेस ट्री है, रिव्यू है, रीड राइट कंट्रोल है, मेंबर आइडेंटिफिकेशन के कौन उसको रिव्यू करेगा, अथॉरिटी कौन उसको रीड करेगा, कौन उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा, ये हिस्सा होगा कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल का। देन कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग जो है, स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट है कि जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उसका क्या स्टेटस है, कितने परसेंटेज चीजें अप्रूव होती हैं, स्टेटस ऑफ अप्रूव चेंजेस है कि उस कितना कौन सी चेंज जो है अप्रूव हुई है, कौन सी रिव्यू में है, ये सब चीजें उसमें लिखी जाती हैं। देन ऑडिट एंड रिव्यू विल कंपाइल ऑल एक्टिविटीज डिस्कस्ड अबव, देयर विल बी ऑडिट एंड रिव्यू and further comments. Then number four item is tools जो use हुए हैं इसमें configuration techniques किस तरह उनको इस्तेमाल किया गया है and the methodologies. Then the supplier control who make the changes, the supplier who bring the products, record collection क्या क्या चीजें receive हुई हैं, how much it cost. And then the retention also, that which we have eliminated here. हमने रिमूव किया है आफ्टर चेंज, कुछ चीज़ें हम निकाल देते हैं या उनको ओमिट कर देते हैं, कुछ चीज़ें हम अडॉप्ट कर लेते हैं या इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें आइटम नंबर सिक्स में जो है वो लिख दी जाएंगी। गाइड टू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट SCM, ये डिफाइन टर्म्स हैं सच एज द बेसलाइन एंड वर्जन, डिस्कस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट डिसिप्लिन के वो किस तरह जो है चेंज आइडेंटिफाई होगी, रिव्यू होगी, एंड देन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स रोल इन द इंजीनियरिंग प्रोसेस, के लोग जो है वो ऑन बोर्ड होंगे जो जो इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में, और उन सबको वो चेंज के बारे में बताया जाए। Include checklist of issues for sections of the software configuration management IEEE as per the IEEE standard. वो सब चीजें include की जाएं। Include four complete examples of SCMs के previous जो projects में जो काम हुआ है उनकी जो examples हैं previous projects की वो code की जाएंगी, include की जाएंगी, sorry, इसमें कि उनमें क्या हुआ था, क्या चेंज हुआ था, हाउ दे इफेक्टेड बेनिफिट और इट कॉस्ट द कंपनी, तो वो सब चीजें जो है वेंट रॉन्ग है या वेंट राइट डायरेक्शन है जो भी हुआ, वो सब एग्जांपल्स जो है उसमें इंक्लूड कर ली जाएंगी इस रिपोर्ट में। इन द टूल्स नेसेसरी फीचर डिपेंडेंसी ट्रैकिंग, के किस तरह एक टास्क दूसरे पर डिपेंडेंस है, उनकी जो ट्रैकिंग है टाइमली, हु कंप्लीटेड अ टास्क एंड डिलीवर इट, ऑडिट ट्रेल्स, रिपोर्टिंग ऑफ चेंजेस, सपोर्ट्स द चेंज रूल, जो रूल चेंज होते हैं उनको किस तरह जो है टूल्स सपोर्ट करते हैं, वर्जनिंग, नया वर्जन आया है टूल का उसको किस तरह अडॉप्ट करना है, रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग है, रिपोजिटरी अरेंज है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिक एंड एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह जो है अरेंज करना है, मैनेज करना है, सपोर्ट बहुत लीनियर एवोल्यूशन एंड एक्टिविटीज उसमें उनको हमें सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। ये उनके फीचर्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं उनके functionality as per the requirement. Controlled document, a document that is currently vital or may become vital for development and maintenance. A document है वो important होता है जिसमें सब चीजें listed होती हैं, detail में उनका जिक्र होता है कि किस तरह change identify हुआ, review हुआ, approve हुआ, consensus develop हुआ, कौन कौन उसमें involved था,
इम्प्लीमेंट हुआ और अब उससे हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, सब चीजें उसमें लिखी जाती हैं। इट्स प्रिपरेशन एंड स्टोरेज एसक्यूएल इशू है, क्योंकि इस रिपोर्ट को केयरफुली प्रिपेयर किया जाता है एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड एंड डिस्कस प्रीवियस स्लाइड, कि किस तरह इन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। कंट्रोल डॉक्यूमेंट के हुए प्रोसीजर्स क्या है, कि क्या प्रोसीजर होने चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस के। डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, उन सबको ना सिर्फ वहाँ होना चाहिए बल्कि उनकी डेफिनेशन भी इंक्लूड होने चाहिए। प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट्स, उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं चेंज में जो अप्रूवल रिक्वायर्ड है वो सब होना चाहिए। एज एविडेंस डॉक्यूमेंट स्टोरेज कहाँ वो स्टोर होता है, रिट्रीव होता है, एंड वर्जनिंग कौन सा वर्जन इस्तेमाल हुआ है, वो सब चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। That's all जी for this week। इसके साथ ही एक मैं अपलोड करूँगा क्विज होगा, उसका आपने आंसर देना है ड्यूरिंग द क्लास टाइम। एंड डोंट टेक इट लाइटली, इस पर आपके सेशनल लगेंगे, तो आप ये मत कीजिएगा कि क्विज का आंसर मत दीजिएगा और उसको इग्नोर कर दीजिएगा। काइंडली उस क्विज का आंसर आपने देना है और ना सिर्फ उसका आंसर देना है बल्कि उसको सबमिट करना है। अब सबमिट कैसे करना है, मैंने रिसेंटली वीडियो शेयर की थी आप लोगों से हाउ टू सबमिट असाइनमेंट, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको देख लीजिए और सबमिट कर लीजिए, करा दीजिएगा। शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।